अन्नेवा ताबड़तोड़ गोलियां चलन का मामला सामने आया। दस दिए कि ठेके दे उत्ते बैठे कुछ लोगों ते गोलियां चलाईयां गईयां ने। अठ हमलावरां दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया, जिस दे विच तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तां ठेके दे उत्ते बैठे लोगों ते गोलियां चलाईयां गईयां ने। पुरानी रंजिश का यह मामला दस्सिया जा रहा है, जिस दे विच तीन लोगों की जान चली गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप नाल जख्मी होए ने। तां वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां, हरियाणा के रोहतक तो सामने आ रही है, जिथे कि एक ठेके दे उत्ते देर रात फायरिंग हुई है। अन्नेवा गोलियां चलाईयां गईयां ने, जिस दे विच तीन दी मौत हो चुकी है, जबकि दो मौके दे उत्ते गंभीर रूप नाल जख्मी होए ने। तां वड्डी खबर है, पुरानी रंजिश का यह मामला दस्सिया जा रहा है। राहुल बाबा गैंग दे वल्लों इसकी जिम्मेवारी ली गई है। तां पुलिस दे वल्लों गैंगवार का यह शक भी जताया जा रहा है। फिलहाल मौके के उत्ते पुलिस पहुंची है, मामले की जांच शुरू कर दी गई। दरअसल पूरा मामला की है तो तुम दस दिए कि रोहतक के एक पिंड दे विच ठेके दे उत्ते कुछ लोग बैठ के शराब पी रहे थे। इसी दौरान तीन मोटरसाइकिलों के उत्ते अठ हमलावर आते हैं, जिस दे विचों पांच हमलावर उतरते हैं, तो उतरते सार ही इन्हां पंजां दे उत्ते गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने, जो शराब के ठेके दे विच बैठ के शराब पी रहे होंदे ने। तां इन्हां दे उत्ते जदों गोलियां चलाईयां जांदियां ने, जिस दे विच तीन दी मौके ते ही मौत हो जांदी है, जबकि दो गंभीर रूप नाल जख्मी होंदे ने, ते उन्हां नूं इलाज दे लई हस्पताल दे विच दाखिल करवाया जांदा है। तां तीन बाइकां दे उत्ते इह अठ हमलावर आए सी, अठ दे विचों पंज उतरदे ने, ते उतरदे सार ही पंजां दे उत्ते गोलियां चलाउणियां शुरू कर दिंदे ने। जिस तों बाद जो तीन बाइकां दे उत्ते बैठे वो जो बदमाश होंगे ने, वो बाइक नूं स्टार्ट करके रखते हैं, तो यह पंजों हमलावर उन्होंने उत्ते बैठ के फरार हो जाते हैं। तो जिवें इस घटना की जानकारी पुलिस नूं दित्ती जाती है, तो पुलिस मौके के उत्ते पहुँचती है, तो मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो राहुल बाबा गैंग के वलों दस्सिया जा रहा है कि सोशल मीडिया के उत्ते पोस्ट पा के इसकी जिम्मेवारी भी लै ली गई है, तो पुलिस के वलों भी एक गैंगवार का शक जताया जा रहा है। तो पुरानी रंजिश का भी इस मामला मनिया जा रहा है। उसी हर एक एंगल तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो रोहतक दे विच यह खौफनाक वारदात वापरी है। सूचना आई है कि यहाँ पर शराब के ठेके पे फायरिंग हुई है, और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें तीन लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। दो लोग अभी घायल हैं, इनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। तो मैंने भी अभी मौके का निरीक्षण किया है। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कितने लोग फायरिंग करने आए थे, लेकिन हाँ, तीन से चार लोग बताए जा रहे हैं कि फायरिंग करने आए थे। और उनका क्या नाम है और क्या उनका उद्देश्य है, वो सारी उसके बारे में अभी पड़ताल की जा रही है। और सारी पुलिस अलर्ट है इस समय, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन शूटर्स को हम पकड़ें भी, और इनका हम सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत करें। सर, मरने वाले कहाँ थे? अभी देखना बाकी है, क्योंकि बहुत प्रारंभिक जानकारी आ रही है, तो अभी कंप्लीट जानकारी जैसी आएगी आपको शेयर करें। देखिए, कुछ भी हो सकता है अभी तो, बहुत ही, क्योंकि मौके पे जाके देख ही रहे हैं, और जो भी सूचना आगे आती है आपको शेयर की जाएगी।